हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स एक्सरसाइज 8 डेसिमल्स चैप्टर है हमारा और पेज नंबर 166 से लिया गया है। तो अभी तक हमने रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन कर लिया था, तो अभी हम इसके बाद चलेंगे जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है 166 पेज नंबर पे ही एग्जांपल्स कुछ 1-2-3 दिए हुए हैं। तो आज हम उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे ताकि आपके डेसिमल्स के जो कुछ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ है, और देखने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में अच्छे से आता हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बीच में, और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया है इसे हमें एक टेबल पे प्लेस वैल्यू के साथ बना के दिखाना है। जैसे ये ए नंबर दिया 20.5 और बी नंबर 4.2 दिया है, तो चलिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के प्लेस वैल्यू पुट करके लिख लेते हैं। हमने जैसे कि कुछ एग्जांपल्स पहले देखे थे उसमें कैसे प्लेस 100, 10, 1, 10 ऐसे करके दिया था, उसे उसी तरह से बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये हमारा ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 20.5, इसकी प्लेस वैल्यू होगी क्या। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हमने जो इसके पहले जो हमने बनाया था, ट्राई दिस में दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड, यहाँ देखिए 100, 10, 1, 10 बना रखा है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, बनाने के बाद जहाँ का जो प्लेस वैल्यू वहाँ बिठा दीजिए। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप इसे लिख के तोड़ लो, तोड़ने के बाद देखो कि किसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि अगर 3 अंक होता है तो वो 100 प्लेस, तो जैसे मान लीजिए 200 होता, ये 100 प्लेस, ये 1s, 10s, 100 हो जाता। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि 1s, 10s यानी 2 अंक दिया है, तो यहाँ टेंस बोल ही रहा है और वंस बोल रहा है, यानी कि ये टेंस की है, जो हमारा सबसे पहला है वो टेंथ तक ही जाएगा, टेंथ तक जाएगा, सॉरी टेंथ पॉइंट के बाद वाला जो है वो टेंथ हो जाता है, जो पॉइंट के बाद हम संख्या गिनेंगे वो टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे करके गिनेंगे, TH लगता जाएगा। लेकिन पॉइंट की इधर की जो संख्या होती है वंस और टेंस गिनी जाती है। आपने देख हिंदी में सिकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करते हैं, उसी चीज़ को इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे किया जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल चुका है कि 2 और 2, 0 जो दिया है वो टेंथ और वंस, टेंस और वंस प्लेस है, उसके बाद टेंथ दे रखा है। तो क्या हो जाएगा अगर 20.5 दे रखा है, तो 20.5 का मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारा 20 हो जाएगा प्लस पॉइंट, जो ये 0.5 का मतलब हो गया आपका 0.5, जो हमने इसमें इसको प्लस किया होगा तभी तो 0.5 हो, आप बहुत सारा करते हो आपको पता चल ही रहा होगा। तो देखिए इसे हम ये भी कर सकते हैं, 20 है यानी कि यहाँ पे कितने टेंस यूज किए गए हैं, 2 टेंस यूज किए हैं, तो हम यहाँ पे 2 × 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर अब ये क्या है, 0.5 का मतलब क्या होता है, टेंथ में हम क्या करते हैं 5/10 करते हैं, क्लियर हो गया, 5/10 हमने इसको कर दिया। अब अगर इसे हम तोड़ेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता चल चुका है कि कौन सा वैल्यू हमें कहाँ पे रखना है, कौन सा नंबर हमें किस वैल्यू, किस प्लेस वैल्यू पे रखना है, ये हमें पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को पुट करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया है वो नंबर लिख लेते हैं, कौन सा था हमारा नंबर, 20.5 था ये नंबर था। तो हमें पता है कि हमारा क्या है, 2 × 10 है, यानी हमारा 10 क्या है, 2 है, हमें 10 नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ हमें लिखना है 2, यानी अगर हम 2 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे 2 लिखना है, इसका मतलब देखिए हमने यहाँ पे बता दिया 2 × 10। फिर यहाँ वंस है, वंस का संख्या हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करें, हमेशा ये देखा जाता है कि जहाँ कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 बिठा देते हैं,
क्योंकि जीरो बिठाने से ना नंबर चेंज होगा, ना हमारा एडिशन बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, जैसे का हमारा रहेगा वैसा ही रहेगा। इसलिए हम जीरो, अगर कोई अदर संख्या बिठा दोगे तो आपका एडिशन चेंज हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी चेंज हो सकता है, लेकिन जीरो बिठाने से ना आपका एडिशन बदलेगा ना सब्ट्रैक्शन बदलेगा, ठीक है। उसके बाद टेंथ में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टेंथ में हमें लिखना है 5। यहाँ पे हम 5/10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि टेंथ का मतलब ही हो जाता है, टेंथ कह दिया 5 को तो हमारा वो 5/10 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करें। फिर देखिए दे रखा है बी नंबर, ये हमने सेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 2/10 5/10, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए करके भी देख सकते हो आप, चलो ठीक है, ऐड करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि यही देखिए आएगा इनको करेंगे तो क्या था 20। यहाँ पे जीरो दे दीजिए ताकि ये बिठाने में आसानी हो, 0.5, ये देखिए 5.02 आ गया, हमने इसको चेक भी कर लिया। सेकंड दे रखा है बी नंबर 4.2 दे रखा है। देखिए यहाँ पे दो ही संख्या दिख रही है हमें, एक हमें टेंथ की वैल्यू दिख रही है और एक दूसरी दिख रही है वंस की वैल्यू, यानी कि एक हमारे वंस प्लेस की दिख रही, कैसे दिख रही है देखिए यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ 4 बोल रहा है, 4 में अगर हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, हमारा जो आंसर गड़बड़ा जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो अगर इसका हम 1 से करते हैं तो 4×1=4 आएगा। सो पता चल रहा है ये वंस की प्लस वैल्यू है और ये टेंथ की, तो क्या होगा इसका, हमारा हमने तो निकाल लिया प्लस 0.2 होगा, क्लियर। इसके बाद देखिए 4×1+2/10, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ के आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर 4 लिख लीजिए और यहाँ पे 0.0 दे दीजिए, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2.4 आ गया 4.2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप सवाल कर रहे हैं, जैसे मैंने देखिए अभी यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक जो किया, ये मिस्टेक मुझे तो पता था इसलिए मैंने करके तुरंत उसको सही कर दिया, तो ये मिस्टेक आप कभी मत करना कि जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो 4 लिख दिया और आप यहाँ से क्या कर रहे हो कि ये आप इधर कर दे रहे हो 0.2 ऐसे कर दो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल मत करना आप, 4.0 करना। इसीलिए बार बार 0 लगा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि पॉइंट के बाद हमारा लग रहा है, तो हमारा 0 पॉइंट से पहले तो 0 आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। देखिए 4 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल रखना है कि हमारा ये गलती कभी ना हो, ये गलती होनी नहीं चाहिए, ये गलती अगर हुई तो आपका सारा सवाल सही होते हुए भी थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से कट जाएगा। तो ये हमने कर दिया, अब हमें पता चल चुका है कि 4 हमारा क्या है, 1 प्लेस का है, तो 1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 2 टेंथ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिब्बा दे रखा है तो हमें उसे तो कुछ तो फिल करना पड़ेगा। मैंने बोला भी 0 ना रहने, रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे कोई चेंजिंग नहीं आती है। सो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन जो है सॉल्व हो चुका है, आप इस बुक में भी देख सकते हो, हो सकता है कि आप इसे पहले देखने पे आप लोगों को समझ में क्या कर दिया है, लेकिन अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए यहाँ दिया है सॉल्यूशन, लेट अस मेक अ कॉमन प्लेस वैल्यू टेबल असाइनिंग अप्रोप्राइट प्लेस वैल्यू द डिजिट इन द गिवन नंबर्स वी हैव, यानी बता रहा है कि हमने देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7/2 नंबर एग्जाम्पल जो दे रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या दे रखा है। Example 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसीमल्स, यानी यहाँ पे जो दिया है उसे हमें डेसीमल्स में कन्वर्ट करना है। इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो ये सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए, कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सवाल कह क्या रहा है, ए नंबर पे देखिए कह रहा है 2 1s and 5 10s, क्लियर है, 2 1s कह रहा है, 2 1s यानी कि 2 1s कह रहा है, 10 नहीं कह रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा,
एंड 5 टेंथ कह रहा है, तो प्लस कर दीजिए, प्लस 5 टेंथ, तो हम क्या करेंगे, प्लस 5 बाई 10। देखिए कितना इजी जा रहा है, एंड का मतलब तो प्लस होता ही है अगर हम कोई सवाल करते हैं। तो 2 ones, इस पे आपको फोकस करना है, ये अगर 200 देता तो हम क्या करते, 200 प्लस 5 by 10, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 1s, अगर 210th देता तो हम 20 प्लस 5 by 10 करते। क्लियर हो गया, कितना इजी है, इसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 अगर 1s है यानी इंटू 1 प्लस 0.5। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे हम 2 करेंगे प्लस 0.5 करेंगे, इसे ऐड कर लीजिए, जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। रफ़ में भी आप देख सकते हो, अगर ये 2 था, हमने यहाँ पॉइंट लगा के 0 इसलिए दिया क्योंकि जो कन्फ्यूज़न अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे मैंने आपको बताया था वो ना हो, 0 पॉइंट से पहले, इसलिए 2 के नीचे और 5 इधर, तो ये हमारा 5.2 आंसर आ गया। क्लियर है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए चलते हैं हम बी नंबर की ओर। बी नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है, 30 and 1/10 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 30 एंड बोल रहा है, 30 यहाँ पे ना 1s बोला ना 10s, डायरेक्ट बता दिया हमें कि अगर इसे लिखता आप 3 10s लिखता तो 30 लिखना होता, लेकिन इसने 30 ही बोल दिया, तो कोई बात नहीं, अगर 30 बता रखा है तो हमें कुछ नहीं करना है। बी नंबर, ये ए नंबर था, बी नंबर में हमें क्या करना है, यहाँ लिख देना है 30 plus 1/10 यानी 1/10, 1/10 बोल रहा है यानी 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 10th यानी TH जब भी लग रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे हमें हाइफ़न देके लिखना है, बटे में आएगा वो। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 30 plus 1/10 यानी कि 30 है यानी कि 10s की वैल्यू, 10s की प्लेस वैल्यू पे है, यानी कि 3 into 10 करेंगे हम इसको, प्लस 0.1। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कितना, 30 plus 0.1। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करके आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, 30.1 आएगा, करके देखते हैं यहाँ पे। चलिए 30.0 करिए, यहाँ 0 या यहाँ 1 करेंगे, 1.03। क्लियर हो गया, तो ये जो है हमारा आंसर निकल गया, ए का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको, अच्छे समझ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिले, और प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। हो सकता है बिगनिंग थोड़ा अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर देते हो, लेकिन पूरा वीडियो कृपया करके देखिए, रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आप बहुत ही हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि कोई टफ बताता हो, कोई ईजी बताता हो, पर वे तो वही होता है, आप इस वे में सवाल बनाओ चाहे उस वे में बनाओ, सवाल तो सही होने से मतलब है और अच्छे से समझने से मतलब है, कौन सा वे ईजी समझा रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल, ये रहा आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन से पहले चलिए बुक की ओर चलते हैं। 2nd नंबर क्वेश्चन का जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया था वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, उसी तरह से इसने सॉल्व करके 2.5 और 30.1 आंसर निकाला था। क्लियर हो गया, हो सकता है सॉल्यूशन देख के समझ में ना आया, अब समझने के बाद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल में देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या था कि नंबर में दे, वर्ड्स में दे रखा था, अभी नंबर दे रखा है, सेम ही चीज़ है, पर और आपके लिए ईजी हो गया, नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम होगा और वर्ड्स में थोड़े कन्फ्यूज़न होते होंगे कि 3rd है 10th है 1s है क्या करें। यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 30 plus 6 plus 2/10। 30 मतलब कि ये हो गया आपका 3 10s 6 1s 2 10th, यही हुआ ना। अगर ऐसे वर्ड में देता, सपोज मान लीजिए कि 3 10s 6 1s और 2 10th ऐसे देता, तब क्या करते, इसी तरह से लिखते। चलिए तो यहाँ पे हमें दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, लिख लेते हैं 30 plus 6 plus 2/10, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे 3 into 10 plus 6 into 1 प्लस
0.2, ये लिखेंगे ना। यहाँ पे आते हैं, ये 30 हो गया, ये प्लस 6 हो गया, ये प्लस 0.2 हो गया, हो गया। देखिए क्लियर सॉर्ट आउट हो चुका है आपका सवाल बिल्कुल। 36 0.2, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ..263, क्या आया हमारा आंसर? 36.2 आंसर। सेकंड की ओर चलते हैं, बी नंबर, 600 + 2 + 8 = 10 / 10, यानी कि क्लियर देखिए दिख रहा है। अगर आपको सवाल ऐसे दे दे, आप ऐसा मत करना कि इन तीनों को जोड़ देना, ऐसा नहीं करना। आप सपोज ऐसे कर लो, 600 कर दिए, प्लस 2 कर दिए, प्लस 10 करके ऐसे जोड़ दे रहे हो, सॉरी 8 कर दिया आपने से जोड़ दिया, ये बहुत ही ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं करना। जब ये सवाल आपको कह रहा है तो उसको आपको इस तरह से ही करना होगा। ये बिल्कुल 0.8 में चेंज हो जाएगा, ये 0.2 में चेंज होगा। यानी अगर ऐड भी करना है तो यहीं पे आप तोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्लस करिए और 0.8 लिख के ऐसे ऐड करिए, ना कि ऐसे ऐड करिए, ये रॉन्ग मेथड होगा, ये सही मेथड होगा, ठीक है। थर्ड सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे ऐसे देता, 600 + 2 1s & 8 10th देता, इसका वर्ड में अगर देता तो ये बनता। तो यहाँ पे तो नंबर में दे रखा है 600 + 2 + 8/10। मैंने बता दिया ऐसे कभी नहीं जोड़िएगा, तोड़ के जोड़िएगा। सबसे पहले एक लाइन बना लीजिएगा, 6 × 100 कर दीजिए, क्योंकि 600 बोल रहा है, 100 प्लेस पे है। 2 × 1 करिए, 1 प्लेस पे है, और 8 10th है, यानी 0.8। ऐसे करके आप अगर जोड़ोगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन वैसे कभी सीधा नहीं जोड़ देना, ताकि बच्चे आपके बिल्कुल नंबर कमाएंगे, मैम बिल्कुल कट करके 0 मार्क्स देंगी। यहाँ पे 600 + 2 + 0.8 ऐसे कर दीजिए, इसके बाद आपके लिए बहुत आसान होगा। पर सब समझिए थोड़ा सा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। वो बटे में है, यानी ये ऐड क्लियर दिख रहा है, ये डिवाइड करना है, तो हमें इसको पहले डिवाइड करना होगा, फिर इनको जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए, 600 है, 2 है, 0 है, 0.8 0.0 0.0 ऐसे ही लिख लीजिए आप, तो आपका सही भी मेथड जाएगा। देखिए क्या आंसर आ गया हमारा, 600 2.8। क्लियर, सवाल हमारा ऑलमोस्ट क्या है, डन हो चुका है, ए और बी क्लियर। अब देख लेते हैं एग्जांपल की ओर, क्या कह रहा है सवाल था, सॉल्व तो कर दिया। हाउ मेनी टेंथ्स 1/10 देयर इन इज नंबर, अब बोल रहा है कि इसमें कितने टेंथ हैं और कितने वंस हैं। तो देखिए इसने लिख भी दिया है, वी हैव अ 3/10, 6 1 2/10। देखिए तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, चलिए लिख देते हैं हम भी 3/10, दिख रहा है 3/10, हम ऐसे लिख सकते हैं। वी हैव लिख दीजिए आप भी, वी हैव अ 3/10, 6 1s & 2 10th, यही बोला ना, हमने भी लिख दिया 2/10। अब इसमें क्या कह रहा है, वी हैव अ 600 600s और क्या था, 2 1s और क्या है, 8 10th है, हो गया क्लियर। और यहाँ वंस नहीं है तो 0 1s लिख सकते हो आप, 0 1s ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा थर्ड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ सपोर्ट करें। तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू।